Hi everyone, welcome to my channel. So today we are discussing about Gutterman-Koch reaction. This is the name reaction and very important reaction. इसमें क्या होता है, बेंजीन को ट्रीट करते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एसिडिक मीडियम दैट मीन्स HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रस फॉर्म में होता है वो, और ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड, साथ में HCl की फॉर्मेशन होती है. तो ये जो गटरमैन-कोच रिएक्शन होती है बेसिकली यूज़ होती है प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें जो एल्युमिनियम क्लोराइड है हमारा कैटलिस्ट की तरह काम करता है. तो अब इसके मैकेनिज्म की ओर ध्यान देते हैं. तो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माइल क्लोराइड. तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं आपस में और फॉर्माइल क्लोराइड का फॉर्मेशन देते हैं. तो कुछ देखते हैं हम इस तरीके से कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है. अब कार्बन मोनोऑक्साइड है तो हमें पता है यहाँ पर ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बना के, दैट मीन्स यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है. साथ में हमारे पास HCl अवेलेबल है. अब H पर क्या होता है, पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. तो ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन. तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है. नेक्स्ट में क्या होना है, यहाँ पर Cl नेगेटिव प्रेजेंट है. Cl नेगेटिव क्या करेगा, फर्दर अटैक करेगा. तो ये जो बॉन्ड होता है, हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन. तो बॉन्ड इसके साइड को ब्रेक होगा, जैसे ही यहाँ ब्रेक होगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड देन ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा. तो यहाँ पर क्या होगा, एच ये Cl एंड डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि यहाँ पर पहले से हमें पता है प्लस चार्ज था और यहाँ पर नेगेटिव आया तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया. तो कुछ हमें इस तरीके से फॉर्माइल क्लोराइड, लिख लेते हैं इसको, फॉर्माइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई. तो फर्स्ट स्टेप यही होता है, बेसिकली तीन स्टेप की रिएक्शन है ये. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल अब हमें पता है, यहीं से हम इस रिएक्शन को करते हैं. हमें पता है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रेजेंट है. एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, ये होता है हमारा ल्यूइस एसिड. बेसिकली ये क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो क्या करेगा, यहाँ से सी एल नेगेटिव को क्या करेगा, रिमूव करेगा. ए एल सी एल थ्री है तो यहाँ से ये क्या करेगा, सी एल नेगेटिव को यहाँ से रिमूव करेगा. तो कुछ इस तरीके से जैसे ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव वाला इसके साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ऐड हो जाएगा. तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लस चार्ज और साथ में क्या मिलेगा, ए एल सी एल फोर नेगेटिव, क्योंकि ये हमारा ल्यूइस एसिड है. तो अब नेक्स्ट में यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन है. तो ये हमारा क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल मीन्स कि इसे इलेक्ट्रॉन की नीड है, अब इलेक्ट्रॉन लविंग. एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड. अब फर्दर क्या होगा, यहाँ पर जो बेंजीन है उसके साथ ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, रिएक्शन करेगा. अब हमें पता है यहाँ पर जितने भी कार्बन है सारे डबल बॉन्ड के रेजोनेंस में है, तो कोई सा भी बॉन्ड को आप ब्रेक करा सकते हो. तो कुछ इस तरीके से समझेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव. जैसे ये नेगेटिव आता है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और यहाँ पर ये क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पर. तो ये कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड एज इट इज़ है और यहाँ नेगेटिव पे क्या, कार्बन पॉजिटिव डबल बॉन्ड इसके साथ और एक ही हाइड्रोजन और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हमारे पास अवेलेबल है. अब नेक्स्ट में क्या हो गया, एरोमेटिसिटी क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेक. तो वापस से हमें इसे रिंग को क्या करना होगा, एरोमेटिक बनाना होगा. तो इसके लिए हमें पता है हर एक कार्बन पर क्या होते हैं, चार बॉन्ड होते हैं. तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या प्रेजेंट है. अब हम हाइड्रोजन यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ क्या चाहिए, नेगेटिव, तभी तो बॉन्ड बनेगा. तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ए एल सी एल फोर है हमारा, ये जो हमारा बना था, ये क्या करता है, फर्दर अटैक करता है. कि ए एल सी एल फोर क्या करता है, सी एल नेगेटिव देता है. अब सी एल नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा. तो यहाँ से हाइड्रोजन का अब्सट्रैक्ट करता है, बॉन्ड क्या होता है, इस साइड से ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आया. तो ये पॉजिटिव पर क्या किया, ये सी एल नेगेटिव किया, एच पॉजिटिव पर अटैक करता है, यहाँ से एच को रिमूव करता है और सी एल के साथ रिलीज हो जाता है.
और ये पॉजिटिव नेगेटिव वापस से बॉन्ड बना लेते हैं, और ये हमारा COH एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया। साथ में हमें क्या मिला है, HCl प्लस AlCl 3, जो कि हमारा कैटलिस्ट था, वो वापस से हमें एज इट इज मिल गया। और हमें क्या मिल गया प्रोडक्ट में, हमारा बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो को समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।